नमस्कार डॉग लवर्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं निखिल आज आपका स्वागत करता हूं एक और मजेदार वीडियो में। एक्चुअली आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लोग अपने पपी को मार्केट वाला फूड खिला रहे हैं। मार्केट वाले फूड से मेरा मतलब है कि रॉयल कैनिन, फोकस, ड्रूल्स या फिर पेडिग्री या फिर कोई और कंपनी का फूड। जनरली ये फूड जो ड्राई फूड्स आते हैं, ड्राई फूड जिसमें हम पानी मिला करके अपने पपी को देते हैं, तो क्या आप लोग खिला रहे हैं अभी। अगर आप खिला रहे हैं तो कितने टाइम बाद इसको स्विच करने वाले हैं होममेड फूड के अंदर, और क्या आप लोग करेंगे भी या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी एक सीरीज में चालू करने जा रहा हूँ होममेड फूड के ऊपर, जिसके अंदर मैं खुद कुक करूँगा अपने पपी के लिए, एलेक्सा के लिए फूड, और उसको खिलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह के फूड सही होते हैं खिलाने के लिए और क्या चीज़ आप दे सकते हैं। क्योंकि अभी गर्मी आने जा रही है, सर्दियाँ ख़त्म होने जा रही है, तो फूड का भी जो रूटीन है वो भी चेंज करना होगा। मैं आपको 7 दिन के लिए 7 फूड बताने जाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही बताने जा रहा हूँ कि जो मार्केट वाले फूड आप दे रहे हैं क्या वो 100% सही है आपके पपी के लिए। उसमें लिखा होता है कि वो बैलेंस डाइट होती है, लेकिन क्या सच में बैलेंस डाइट होती है, और क्या उसको लॉन्ग टर्म पे यूज़ करने में आपकी पपी को कोई दिक्कत होती है, होगी या नहीं होगी, इस चीज़ पर थोड़ा सोचने वाली बात होती है। एक्चुअली मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट वाले फूड होते हैं, एक्चुअली इनके ना बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि जो आपके फूड है उसको अगर हम संभाल के रखते हैं काफ़ी टाइम के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ अगर रॉयल कैनिन, जो कि मैं अपने पपी को देता हूँ, एलेक्सा को देता हूँ, तो वो आता है साउथ अफ्रीका या फिर फ्रांस से। जो फूड साउथ अफ्रीका या फ्रांस से बनकर आएगा उसको आने में भी टाइम लगता है, उसके बाद फिर मार्केट होता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है तकरीबन महीने भर का होता है, और उसके बाद फिर स्टोर्स में रखा रहता है सालों के लिए। तो मेरा कहना ये है कि जो एक फूड आप फ्रेश फूड बना के अपने पपी को देंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी किसी भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड से। तो मेरा जो स्विच करने के पीछे रीज़न है वो यही है कि पहली बात तो कि उसको घर का बना हुआ फ्रेश फूड मिलेगा, और साथ में उसको जो खाना है प्रिजर्वेटिव से बचा हुआ मिलेगा। तो मैंने काफ़ी सुना था पेडिग्री के बारे में, तो मैंने आज एक्चुअली उसको एक ट्रीट देने जा रहा था, कुछ अलग करने जा रहा था, तो आज मैं उसके लिए लेकर आया हूँ पेडिग्री का चिकन चंक्स इन ग्रेवी। तो मैं ये लेकर आया हूँ, आज मैं देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या आने वाला है। अगर मैं इसके अंदर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है गारंटेड एनालिसिस में कि क्रूड प्रोटीन जो होगा इसके अंदर 6% है। यार अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ चिकन की, तो अगर आप कभी किसी साइट पर जाकर चेक करेंगे तो चिकन के अंदर जो प्रोटीन होता है, अगर मैं चिकन ब्रेस्ट की बात करता हूँ, उसके अंदर ऑलमोस्ट 30% प्रोटीन होता है, यानी कि 30% प्रोटीन होता है, जबकि इसके अंदर दिया हुआ है जो प्रोटीन इससे मिलेगा आपको इस चंक से सिर्फ 6% मिलने वाला है, ओनली 6%। तो यानी कि 5 गुना प्रोटीन इसमें एक जो चिकन ब्रेस्ट होती है उससे कम है। तो सीधी सी बात है कि सर प्रोटीन की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन फैट इसमें उतना ही है। फैट जनरली 3% होता है, तो 3% के आसपास फूड फैट इसमें भी है। फाइबर होता नहीं है चिकन ब्रेस्ट के अंदर, तो इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो मार्केट वाले फूड होते हैं उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हमेशा फ्रेश फूड से कम ही होती है, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। टोटल बात करूँ तो इसके अंदर 6% प्रोटीन है, 3% फैट है, 1% फाइबर है, और 85% इसमें मॉइस्चर दिया गया है। अब मॉइस्चर के अंदर क्या मिलाया है आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, इससे ज़्यादा कोई कंपनी अपनी बात नहीं दिखाती है। तो चलो कोई वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आज आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाने जा रहा हूँ, और साथ साथ दिखा देखते हैं कि एलेक्सा इसको पसंद करती है कि नहीं करती है, क्योंकि जो फूड अब तक वो खा रही थी उसमें भी चिकन था, तो शायद इसको भी पसंद करेगी, शायद इसकी महक को जानेगी। तो अब मैं एलेक्सा को बुलाता हूँ और देखते हैं कैसा रिएक्शन उसके अंदर होने जा रहा है। एलेक्सा बैठो, गुड गर्ल। और दोस्तों देखो एलेक्सा आ चुकी खाना खाने के लिए, और कितनी खुश है देखो, देखो इसको खाना चाहिए, इसे खाना चाहिए मेरे बच्चे को। ठीक है, अभी हम देखते हैं, सब खोल के देखते हैं कैसा है। इसी खोल रहा हूँ दोस्तों, देखो मैं अभी इसको सारा नहीं दूंगा, थोड़ा दूंगा ताकि एक बार इसका रिएक्शन पता लग जाए। एलेक्सा एक्चुअली वेट नहीं कर पा रही है देखते हुए, और ये मैंने चिकन चंक्स डाल दिए हैं। एक बार आप देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अरे एलेक्सा चिकन चंक्स खा रही है इस समय।
दोस्तों पसंद तो इसको आ रहा है, लेकिन थोड़ा अलग भी लग रहा है इसको फूड ये। और मैं आपसे बोलूँगा इसको ना डाइट ना दे करके इसको ना रोटी वगैरह के साथ आप इसको मिक्स करके दीजिएगा। अगर चावल आप लोग बना रहे हैं तो चावल मिक्स कर दीजिएगा, ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एक ट्रीट की तरह इसको यूज़ करें, हमेशा के खाने की तरह इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों देखा कितनी जल्दी एलेक्सा ने पूरा खाना खत्म कर लिया, और करती भी क्यों नहीं भाई, उसमें इतने सारे फ्लेवर्स मिले हुए थे। और बड़ी कंपनियां किसी चीज़ का ध्यान रखें ना रखें, फ्लेवर्स को जरूर रखते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जो व्यूज़ आते हैं इस चैनल पर, उसमें 72% व्यूज़ अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, यानी कि जो सब्सक्राइबर्स नहीं होते उनके व्यूज़ होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।